वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस शेफ। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पकौड़े। तो यहाँ पे हम चार तरह के पकौड़े बना रहे हैं, आलू, प्याज, हरी मिर्च, और फोर्थ टाइप के जो पकौड़े हैं वो आपको खुद गेस करने हैं कि वो कौन से बना रहे हैं। तो देखते हैं आप गेस कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले पकौड़े बनाने के लिए हम बेसन लेंगे, प्याज लेंगे, आलू लेंगे और हरी मिर्च लेंगे, जो हमारे तीन चार मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं वो लेंगे। हम एक कटोरी बेसन ले रहे हैं, उसको हम पानी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे हाथ से गूंद रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ। हाथ से क्या होता है, चीज़ के लम्ब्स हैं बेसन के, वो नहीं बनते। आपको धीरे धीरे पानी डालना है और इसको बेसन को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो आप जानते हो कि जो पकौड़ों का मिक्सचर है, जो हम बनाते हैं, घोल बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये हम मीडियम कंसिस्टेंसी रखेंगे इसकी, हल्का सा गाढ़ा ही होगा, ज़्यादा पतला नहीं होगा, तो वो कंसिस्टेंसी रखनी है। अच्छे से हाथ से मिला लेना है आपको, धीरे धीरे पानी डालते जाना है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो बेसन है वो घुल गया है पकौड़े तलने के लिए। तो इसमें हम अभी क्या डालेंगे, हम स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। हल्दी से इसका कलर भी अच्छा आ जाता है और वैसे भी हेल्दी होती है। तो यहाँ पे हम गरम मसाला डाल रहे हैं, साथ ही में हम डालेंगे यहाँ पे हरी मिर्च के तो हम पकौड़ी बना रहे हैं, हम डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है हमने, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे यहाँ पे आमचूर पाउडर, जिससे क्या होगा, हल्का सा खट्टास आएगी इसमें। ये सब मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब देखो जो बेसन का कलर है वो हल्दी के कलर से थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे जो मैंने मिर्ची यूज़ करी है वो भी वेगी लाल मिर्च यूज़ करी है। ओ, एक स्पाइस तो हमारा रह ही गया था, कौन सा, नमक। नमक के बिना पकौड़े में तो मज़ा आएगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे नमक डाल के भी मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े, कांदा भाजी भी इसको बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, प्याज को गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया है, रिंग्स बना लिए हैं प्याज के। आपको इसको मिक्स, उसके ऊपर मिक्स करना है, अच्छे से बेसन चढ़ाना है, और इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में तेल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था, हम कढ़ाई में डाल देंगे। सो बेसिकली आपको दो से तीन डिप करने हैं बेसन के बीच में। बेसन ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वो इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आपके अच्छे से जो आप पकौड़े बना रहे हो उनके ऊपर टिक जाए। तो मैं आपको नेक्स्ट बना के दिखाती हूँ। ये देखो, बनाने के बाद आपको हल्का सा जो इसका एज है वो साइड में कर लेना है, और जिस भी बर्तन के साथ आप बना रहे हो, सो दैट कि आपकी जो कढ़ाई है उसमें छोटे छोटे दाने ना बने। तो यहाँ पे मैं कुछ और प्याज डाल रही हूँ। तो पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। आप देखो एक साइड जो है वो उसकी अच्छे से सिक गई है, हम उसको दबा दबा के निकालते रहेंगे, सेकते रहेंगे, साइड बीच बीच में साइड चेंज कर लेंगे। और ये देखो हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं पकौड़े, और हमने इनको निकाल लिया है। सेकंड जो पकौड़े हैं हमारे आलू के पकौड़े हैं, बटाटा भाजी भी इसको बोलते हैं हम। तो हमने आलू को भी राउंड शेप में काटा है, आप चाहे तो आप इसको कोई सी भी शेप दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर इनको भी ऐसे ही डाल दिया है कढ़ाई में गर्म तेल में। आपको जब भी सेकने हैं पकौड़े तो आपको ध्यान रखना है जो आंच है वो फुल फ्लेम से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, और जब आप उनको बाहर निकालते हो तब जो आपकी आंच है वो एकदम सिम होनी चाहिए। अदरवाइज जब तक आप उनको बाहर निकालोगे कढ़ाई से, आपका तेल है वो जल जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जो आप पकौड़े डालोगे वो बिल्कुल जले हुए निकलेंगे। तो यहाँ पर हम जो हमारे आलू के पकौड़े हैं वो तल रहे हैं, उनको साइड चेंज करते रहेंगे, सो दैट कि दोनों तरफ से इक्वली सिक जाएँ। अब देखो इनका कलर चेंज हो गया है साथ के साथ ही, अच्छे से पक गए हैं। तो हम यहाँ पे इनको भी बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। देखो कितने अच्छे पक के तैयार हुए हैं, हल्का सा जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेंगे, और ये हमारे आलू के पकौड़े भी बन के तैयार हो गए। तो हमारे जो थर्ड पकौड़े थे वो कौन से थे, हरी मिर्च के पकौड़े। तो हरी मिर्च के पकौड़े भी हम वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेम बेसन लिया है, उसको हमने मिर्च में बीच में कट मार लिया है एक लंबी मिर्च में ही, और इसको अच्छे से बेसन में डिप करना है,
और फिर हमें उसे कढ़ाई में छोड़ देना है। सो अगर आप देख रहे हो, मैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए, बट जो मेरा बेसन है, जो मेरा मेन मिक्सचर है बेसन का, वो मैं सेम यूज़ कर रही हूँ। सो आप सेम मिक्सचर यूज़ करके आप बना सकते हो अलग अलग टाइप के पकौड़े। लाइक आप गोभी के पकौड़े भी बना सकते हो, आप कोई से भी पकौड़े बना सकते हो, आप ब्रेड पकौड़े बना सकते हो। तो इसमें जो मिक्सचर है वो सेम ही यूज़ होगा। सो यहाँ पे हमने डाल दी है हरी मिर्च, थोड़ी सी हम और डालेंगे। आप चाहो तो मोटी भी ले सकते हो मिर्ची, जितनी मिर्ची मोटी होगी उतनी उसमें कड़वाहट कम होगी। बट यहाँ पे मैंने तीखी हरी मिर्ची ही ली है, तो इसको भी हम साइड चेंज करके अच्छे से सेक लेंगे। तब देखो हल्का हल्का इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो हमारी जो मिर्ची है ये सिक के तैयार हो गई है, बट नहीं, अभी ये खाने लायक नहीं है। इसको हमें दोबारा से एक बार डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई क्यों करेंगे, अभी देखो इसमें ग्रीन ग्रीन चिली दिख रही है, दैट मीन्स इसमें जो बेसन है वो अच्छे से चढ़ा नहीं है, अच्छे से बेसन की कोटिंग नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसको बेसन में डिप करेंगे और इसको दोबारा सेकेंगे। सो हमने दोबारा इसको डिप कर लिया है देखो, और जो अभी बेसन है आप देखो कितने अच्छे से जो मिर्ची है उसके ऊपर चढ़ गया है। तो इससे क्या होगा, एक तो मिर्ची थोड़ी कम कड़वी लगेगी क्योंकि बेसन की लेयर आ जाएगी, और सेकंड क्या, खाने का मज़े ही पकौड़े बेसन के साथ आता है, जो मिर्ची के पकौड़े होते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, सिर्फ मिर्ची आपके मुंह में आती रहेगी। तो ये पकौड़े भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं दोनों साइड से। अब गेस करिए फोर्थ इन्ग्रीडियंट कौन सा है हमारा। तो फोर्थ हम बनाएंगे आज भिंडी के पकौड़े। नहीं सुने कभी, चलो आज बना के दिखाते हैं। तो भिंडी में आपने क्या करना है, कट लगा लेना है बीच में, सिमिलरली जैसे हमने मिर्ची के पकौड़ों में लगाया था। तो इसको हमें बेसन में डिप करना है, अच्छे से डिप कर लेंगे और इनको कढ़ाई में छोड़ देंगे। सो आप इजीली किसी को भी चीट कर सकते हो, उसको भिंडी के पकौड़े बोल के आप मिर्ची के पकौड़े खिला दो, मिर्ची के पकौड़े बोल के उसको भिंडी की खिला दो, क्योंकि इसकी जो लुक है आती है वो ऑलमोस्ट सेम ही आती है। एंड आई एम टेलिंग यू, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे भिंडी के पकौड़े इस बार, बट अल्टीमेट टेस्ट था इनका। आप भी ट्राई करिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे लगेंगे आपको भी। तो हमने बाकी की जो भिंडी है वो भी डाल ली है एक एक करके, अच्छे से कोट करना है बेसन को। और ये देखो भिंडी जल्दी बन जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सीखने में। तो हम यहाँ पे इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। यहाँ पे हमारी जो भिंडी है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है, हल्का सा हम इसको हिलाते रहेंगे। जल्दी फ्राई हो जाती है भिंडी नो डाउट, बट अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा सेकोगे ना तो इसका जो क्रंच है वो बहुत अच्छा आता है। तो मेरी भिंडी बन के तैयार हो गई है, भिंडी के पकौड़े हम निकाल लेते हैं इसको कढ़ाई से। तो तेल से निकाल के हमने इनको साइड में रख दिया है। तो हमारे चारों तरह के जो पकौड़े थे एकदम बन के तैयार हो चुके हैं। आप गर्मा गर्म चाय के साथ इनको खाइए, साथ में केचप, और साथ में डेफिनेटली आप डालिएगा चाट मसाला। चाट मसाला डालने से पकौड़ों का जो टेस्ट है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो आप भी ट्राई करिए ये रेसिपी, इससे भी ज़्यादा अलग अलग पकौड़े बनाइए, जैसे मैंने बताया गोभी के या किसी भी और चीज़ के पकौड़े बनाइए। बताइए हमें आपको कि ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ये देखो कितना अच्छा कलर भी आया है और कितने अच्छे से पक गई है। और ये हमारे आलू के पकौड़े बने हैं, ये देखो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा लुक आता है इसमें। और ये साथ में हमारे हैं प्याज के पकौड़े, प्याज के पकौड़े भी बहुत ही अल्टीमेट बनते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। और ये है हमारे मिर्च के पकौड़े। तो आप भी ट्राई करिएगा, हमें बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।